अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आपको कोरमे की रेसिपी बताऊँगी जो कि शादियों में अक्सर तैयार किया जाता है। सो इसमें जो मैंने चीज़ें शामिल की हैं वो हैं 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है, 2 मैंने तेज़पत्ते शामिल किए हैं, 6 से 7 मैंने इलायची डाली है, 1 बड़ी इलायची, और 15 से 18 मैंने काली मिर्च डाली है साबुत, और 5 से 6 मैंने क्लोव्स डाले हैं यानी कि लौंग, और बाकी 2 इंच दालचीनी के डाले हैं इसमें। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद इसमें आलमंड्स ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे बिल्कुल कम। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से पकाएंगे। जब चिकन अच्छे से कोटिंग हो जाए चिकन की ऑयल से, इसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे। मसालों में जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक और 1/2 कप ऑफ दही डाल के इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको 5 से 6 मिनट पकने देंगे। फिर इसके बाद मैंने ये 2 प्याज फ्राई करके इसको ब्लेंड कर दिया था। अब मैं इसको इसमें कोरमे में डाल दूँगी, देन इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 5 से 10 मिनट इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। सो गाइस, कोरमा तैयार है। इसमें मैंने बाद में केवड़ा वाटर शामिल कर दिया और अदरक जूलियन साइज में काट के शामिल कर दिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।